नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि हाउ टू गूगल फॉर योर फ्यूचर। इसके बारे में थोड़ा सा ये समझ लेते हैं। देखिए, गूगल पे इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है कि अगर आपको सही तरीके से सर्च करने आ जाएगा कि कहाँ पे कौन से किस सब्जेक्ट में कितना स्कोप है, तो आप अवेयरनेस इंक्रीज कर सकते हैं और उस अवेयरनेस के ज़रिए आप किसी अपॉर्चुनिटी को कैच भी कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि हाउ टू गूगल फॉर योर कैरियर। आप लोगों ने मुझे कमेंट करके ये बताया हुआ था कि किस तरीके से सर्च किया जाए, और प्लस में मैं एक और चीज़ बता रहा हूँ कि जितने भी कमेंट्स आते हैं वो मैं भी कहीं ना कहीं से सर्च ही करता हूँ। तो मैं किस तरीके से किसी भी कंटेंट को सर्च करता हूँ और किसी भी जेन्युइन कंटेंट को मैं कहाँ से गैदर करता हूँ, वो आज मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। तो मान के चलिए कि अगर आप MCA के लिए आप सर्च करना चाहते हैं, तो चलिए, आप लोगों ने मुझसे कई बार कमेंट में पूछते भी हैं कि सर इसका फॉर्म आया कि नहीं आया। तो मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि मोबाइल से कभी भी इस तरीके का इन्फॉर्मेशन आप सर्च मत कीजिएगा, क्योंकि मोबाइल से जेन्युइन इन्फॉर्मेशन तक पहुँचने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। तो कभी भी सर्च कीजिएगा फॉर योर कैरियर, तो आपको अपने लैपटॉप या फिर किसी साइबर कैफ़े में जा कर के बैठ जाइएगा, उसके बाद में सर्च कीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से आप किसी भी इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं। तो चलिए, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लेता हूँ कि MCA में हैदराबाद यूनिवर्सिटी को लेता हूँ, ठीक है। देखिए, MCA मैंने हैदराबाद यहाँ पे लिखा हुआ है, और जितना भी पॉसिबल रिजल्ट है वहाँ पे ये पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है। अब इसमें आपको किस वेबसाइट पे जाना है ये मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पर ये आपको दिखा रहा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ROC हैदराबाद MCA, तो ये जो है ये वाला वो नहीं है जिसमें आपका MCA कराया जाता है। तो यहाँ पे आपको MCA हैदराबाद के साथ अच्छा से यूनिवर्सिटी भी लिखना होगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा, और देखिए अब यहाँ पे पॉसिबल रिजल्ट आपके सारे आ गए। देन उसके बाद में यहाँ पे देखिए, जैसे कि act.in। अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, जो कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन किसी से भी लेनी है, तो उसमें आपको ये याद रखना है कि आपको उसके ऑफिशियल साइट पे जाना है, और किसी भी वेबसाइट के अंत में एक ये वाला AC अगर जिसमें लगा हो act.in, आपको सिंपल उसी पर क्लिक करना है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, और देखिए ये पूरा का पूरा यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद विश्वविद्यालय का एक पूरा का पूरा वेबसाइट खुल गया। अब आपको इसमें करना क्या है कि अब आपको जाना है एकेडमिक में। किसी भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे कैसे सर्च किया जाता है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो एकेडमिक में आपको जाना है। एकेडमिक में जो भी कोर्सेज चल रहे होते हैं उस इंस्टीट्यूट में, एकेडमिक में पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन उसमें रहता है। तो अब इसको स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में हम लोग को नहीं जाना है, हम लोग को जाना है आपके स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं। मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है। अब इसको आपको थोड़ा सा सर्च करना ही पड़ेगा आप लोग को। देखिए, इसमें आप हम लोग को इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, तो अब जब इन्फॉर्मेशन नहीं मिला तो क्या करेंगे, सिंपल रूप से आप अब एडमिशन में जाइएगा। एडमिशन में जाने के बाद में हर यूनिवर्सिटी
चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, हैदराबाद यूनिवर्सिटी हो, पुणे यूनिवर्सिटी हो, उनका आपको प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करना है, ठीक है। प्रोस्पेक्टस अब अंतिम आपका ये बेस होता है, प्रोस्पेक्टस से पूरा का पूरा चिट्ठा जितना भी इन्फॉर्मेशन होता है आपको मिल जाता है। तो मैंने प्रोस्पेक्टस पे ही डायरेक्ट क्लिक कर दिया, क्योंकि प्रोस्पेक्टस जितने भी अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको हर साल अपना प्रोस्पेक्टस जो आप यहाँ पे देख रहे हैं एक सरकार के पास चली जाती है। तो चलिए हम लोग यहाँ से अपना कोई भी प्रोस्पेक्टस यहाँ पे ले लेते हैं। प्रोस्पेक्टस है 18-19, तो हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करेंगे तो ये आपका PDF खुल जाएगा। अब इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वाली कोई भी चीज़ हो ही नहीं सकती, क्योंकि इस प्रोस्पेक्टस को आप गलत मत समझिएगा, क्योंकि इस प्रोस्पेक्टस की एक कॉपी आपके MHRD के पास जाती है, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग, अब मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। प्रोस्पेक्टस ही वो एक चीज़ होती है जिससे कि आप किसी भी एग्ज़ाम की अच्छी सी इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब मैं आपको बता देता हूँ कि प्रोस्पेक्टस थोड़ा ज़्यादा पेज का होता है, लेकिन अगर इस ज़्यादा पेज को अगर आपने पढ़ लिया, स्टडी कर लिया, तो समझ लीजिए कि काफ़ी ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए हम लोग वन बाय वन करके देख लेते हैं। हम लोगों को खोजना है MCA का, ठीक है। तो यहाँ पे कोर्सेज ऑफ स्टडी पेज नंबर 04 में इसमें दिया गया है, तो चलिए हम लोग 04 में आपका देखते हैं। देखिए पेज नंबर 04 हम लोग का आ चुका है, और कौन कौन से कोर्स इसमें पढ़ाए जाते हैं किस यूनिवर्सिटी में, ये पूरा का पूरा इसमें इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है। तो IMSC कराया जाता है, ठीक है, MSc कोर्सेज कराया जाता है, और यहाँ पे ये देखिए हम लोग का रहा MCA 6th सेमेस्टर, और MBA भी कराया जाता है। तो MCA इस तरीके से किसी भी यूनिवर्सिटी के प्रोस्पेक्टस ही आप डाउनलोड कीजिए, और पहला देखिए कि उसमें ऑफ़र हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो यहाँ पे मिल गया कि यानी कि हैदराबाद में MCA होता है। अब इसमें MCA तो होता है, ठीक है, अब इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मुझे मिलेगा कहाँ से। तो अब हम इसको और स्क्रॉल करेंगे, और धीरे धीरे जैसे स्क्रॉल करेंगे हम लोग को मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जैसे कि वन बाय वन करके कौन कौन से कोर्स में क्या क्या क्राइटेरिया होता है वो पूरा का पूरा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया गया है। तो तब हम लोग इसको और धीरे धीरे करेंगे, इसमें पूरा मिल जाएगा कि कितना सीट है, कितना रिजर्वेशन सीट है, ठीक है जी। देन उसके बाद में हम लोग और नीचे चलते हैं, हम लोग को MCA वाली चाहिए। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है द एडमिशन ऑफ MCA विल बी डन थ्रू द NIMSET 2018 स्कोर। यहाँ पे 2018 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपका होना चाहिए 2019। तो हैदराबाद भी NIMSET के थ्रू ही आपका एडमिशन लेती है, तो यहाँ पर आराम से लिख दिया गया है, ठीक है। अब मुझे इसमें अगर इसका लिंक मुझे अगर खोजना हो तो मैं फिर कैसे फाइंड आउट करूँगा, तो मैं एक और नया टैब खोलूँगा, और देन उसके बाद में मैं लिखूँगा। और हमेशा जब भी आप सर्च करें तो कीवर्ड में आप लिखिएगा, क्योंकि गूगल हमेशा कीवर्ड पे काम करता है। तो कीवर्ड मतलब क्या हो जाता है, जैसा कि MCA एक कीवर्ड हो गया, हैदराबाद एक कीवर्ड हो गया, NIMSET एक कीवर्ड हो गया, उसके बाद में मैंने इंटर दबा दिया। अब यहाँ पे देखिए MCA यहाँ पे देखिए आ रहा है, तो इस पर मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। और यहाँ पे देखिए इसके वेबसाइट पे भी ag.in है, यानी कि ये आपका जेन्युइन और 100% करेक्ट वेबसाइट है। और इस तरीके के वेबसाइट पे आप कभी मत जाइए, जैसे कि शिक्षा.com, क्यूरा.com, इन सब के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। जो जेन्युइन वेबसाइट है आपको उसी पे जाना है। मैंने यहाँ पे किया हुआ है, पता नहीं क्यों नहीं खुल रहा है, हो सकता है सर्वर देखता रहा हूँ, इंटरनेट तो चल रहा है।
खुलने में ये थोड़ा हो रहा है लेट, ये हो सकता है कि ये पुराना ही उनका वेबसाइट हो, इसकी वजह से ये नहीं खुल पा रहा है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि किसी भी यूनिवर्सिटी का अगर आप लोग को फाइंड आउट करना है तो सिंपल आप लोगों को ये फाइंड आउट करना है और उसको जो भी प्रोस्पेक्टस है उसको आपको अच्छे से रीड करना है, ठीक है। इसको मैं क्लोज करता हूँ। अब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी पे आता हूँ कि सर्च कैसे करना है। आपको लिखना है कीवर्ड में DU, ठीक है, यूनिवर्सिटी, देन उसके बाद में MCA, उसके बाद में ये देखिए ACT.IN यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं वहाँ पे ACT.IN लिखा हुआ होता है। बस आपको इसमें करना है क्लिक। क्लिक कर देंगे तो डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस खुल जाएगा। देन उसके बाद में आप यहाँ से ले सकते हैं कि कितना सीट है, कितना क्या है। तो इस तरीके से आप लोग कोई भी इंफॉर्मेशन फाइंड आउट अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ठीक है जी। और एडमिशन 2018-19 लिखा हुआ है। तो चलते हैं हम लोग ज़रा सा एक बार फी स्ट्रक्चर ऑफ MCA प्रोग्राम ही कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे PDF उसका खुल गया। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपका कितना फीस लगता है वहाँ पे आपको इस तरीके से मिल जाएगा। अब आप लोग खुद सर्च करिएगा, ठीक है, और आप लोग को इस तरीके से आप लोग को सर्च करना है। और देखिए जो भी ACT.IN होगा वही आप लोग को वेबसाइट खोलना है फॉर योर कैरियर, ठीक है। ये इस प्रकार की कोई भी वेबसाइट आप मत खोलिएगा। अब जैसे कि मैं करता हूँ पुणे यूनिवर्सिटी की, तो आपको लिखना है कीवर्ड में पुणे यूनिवर्सिटी और यहाँ पे MCA आ रहा है MCA। अब देखिए इसमें भी, अब देखिए यहाँ पे ACT.IN लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। तो हम इसी पर क्लिक करेंगे। जब हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो किसी भी इंस्टीट्यूट के बारे में जाइए, उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, आपको और आराम से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आपको प्रोस्पेक्टस भी मिल जाएगा। तो मैंने ये यहाँ पे जैसे खोला तो MCA एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2019 दिया है, मैं इस पर क्लिक कर दिया, ये एक लिंक है। और देखिए इसका वेबसाइट क्या है, इसका वेबसाइट है ACT.IN। तो ACT.IN के जितने भी वेबसाइट होते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट का, आप उसी को रेफ़र करना ज़्यादा सही होता है। तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, पूरा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, आप इसको इस तरीके से स्टडी कर सकते हैं। और इसका जो फॉर्म का है वो डेट क्लोज भी हो चुका है। तो इस तरीके से आप लोग कहीं पर भी सर्च कर सकते हैं। और मैं आपको सर्च करके थोड़ा सा बता देता हूँ, जैसे कि TANSET, तो TANSET यहाँ पे मैंने लिखा TANSET MCA, जैसे MCA मैंने लिखा, अब मुझे यहाँ पर जाना है। देखिए ये सब जो भी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है ये ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है। तो ऑफिशियल अब आपको खोजना पड़ेगा इसका ऑफिशियल वेबसाइट। तो ऑफिशियल वेबसाइट अभी सर्च में नहीं आया है। तो हम लोग अब करेंगे क्या कि तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु MCA एंट्रेंस 2019 क्लिक करेंगे और देन उसके बाद में फाइंड आउट करेंगे हम लोग इसका ऑफिशियल वेबसाइट। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक अन्ना यूनिवर्सिटी तमिलनाडु के अंतर्गत आता है। तो अब हम इसमें करेंगे क्लिक और इसमें हम लोग जाएंगे आपका एकेडमिक में, लेकिन एडमिशन भी अगर होगा तो उसमें हम लोग को जाना ज़्यादा सही होगा। तो डिपार्टमेंट है ये, सेंटर एकेडमिक है, यहाँ पे देखते हैं कि इसका प्रोस्पेक्टस का कुछ है कि नहीं। तो इस तरीके से खोजना पड़ता है, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी एफिलिएट, एफिलिएशन, रिसर्च, एकेडमिक, और अगर इतना भी अगर ना हो, इसमें अगर खोजने में कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आपको इस तरीके से लिखना है, ठीक है ना। PDF आप सिंपल लिखिए और आपको कहीं ना कहीं PDF भी मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है तमिलनाडु कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। अब इसको हमने PDF को ऐसे खोला और खोल करके हम इसको पढ़ेंगे। तमिलनाडु, इसी को आपको TANSET बोला जाता है। तो इसमें आपका MCA भी है, ये 2019 का है, तो 2019 चल रहा है, तो ये 2018 का आपका प्रोस्पेक्टस है, ठीक है। तो देखिए MCA में आपका लेटरल एंट्री भी करता है, फुल टाइम भी कोर्स कराता है। तो इस तरीके से आप लोग सर्च कर सकते हैं। एक मैं जनरल इंस्ट्रक्शन दे दिया कि किस तरीके से सर्च किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और ऐसे ही आप लोग सर्च करना सीखे गूगल पे, और अगर सर्च अगर आप लोग करना सीखेंगे तो ज़्यादा आप लोग को फ़ायदा होगा। और पूरी जेन्युइन तरीके से किसी भी गूगल पे अगर आप सर्च करना चाहते हैं
तो एक मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपको दे ही दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ हाउ टू गूगल विथ प्रो। देखिए हाउ टू गूगल लाइक अ प्रो। देखिए ये जो टेक्निकल सागर का ये एक वीडियो है, मैं वो नहीं कर रहा हूँ, तो इनके वीडियोस आप देख सकते हैं, इनका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। इसमें आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से गूगल पे सर्च किया जाता है, ठीक है। तो मैंने ये आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दे दिया, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, और जाइए और खूब सर्च करना सीखिए। ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा है गूगल पे, और आपको ये कोई भी नहीं सिखाएगा, क्योंकि ये आपका करियर है, आपको सर्च करना आना चाहिए, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।